अज भारतीय जनता पार्टी जिला गुरदासपुर वालों अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। असी सारे जानते हैं कि एक विलक्षण शख्सियत के मालिक से लोह पुरश, उन्हां दी मानसिक दृढ़ता इन्नी सी कि जिस उम्र दे विच उन्हां दे एक आवाज़ उठी सच दी, देश दी एकता और अखंडता नूं लैके किन्ने चिंतित सीगे और किन्ना उन्हां दा पूर्वानुमान सही सी कि एक देश दे विच दो विधान, दो निशान ते दो प्रधान नहीं चल सकते। केंद्रीय मंत्री सी, बड़ी छोटी आयु सीगी, उन्हां दे सामने सुनहरी भविख सी, हो सकदा आने वाले समय दे विच ओह प्रधानमंत्री बन जांदे, राष्ट्रपति बन जांदे। उस टाइम दो ही शख्सियतां इदां दी सीगियां जिन्हां ने देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी पुरजोर आवाज़ बुलंद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। लेकिन मेरी नज़र च व्यक्तिगत तौर पर महापुरखों की तुलना आपस करना ठीक नहीं हुंदा, लेकिन श्यामा प्रसाद जी की जिहड़ी शहादत है उन्होंने अद्वितीय दर्जा दिंदी है लासानी। वो अपने मूल्यां ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कोई समझौता नहीं कर रहे। इन्नी प्रचंड आवाज़ सी उन्हां दी कि उस टाइम दी कांग्रेस सरकार ने उस सच नूं जाणदे बुझदे हुए भी दबाया। मैं खुल के कहना कि अगर आज़ादी दे बाद, संविधान लागू होने दे बाद शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वर्गी कोई शख्सियत अगर देश दे प्रधानमंत्री हुंदे ते जिहड़ियां समस्यावां दा अज सानूं सामना करना पै रहा है वो कदे भी ना करना पैंदा। अज उन्हां दी शहादत दे लगभग 67 साल दे लागे, धारा 370 खत्म हुई है, 35 खत्म हुई है। एक शेर सी किसे शायर दा कि एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उनवां हो जाए। एक शहीद दे बूंद दी, एक खून दी जिहड़ी एक बूंद हैगी है वो पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकती है। और देख लो, असी सुनिया किताबां च पढ़िया किस्सियां च पढ़िया कि शहीदां दी कुर्बानी कदे जाया नहीं जाती, उदों किस टाइम च उन्होंने शहादत दित्ती सी और अज इन्ने साल दे बाद अखंड भारत की दिशा दे वल बहुत महत्वपूर्ण कदम धारा 370 ते 35 दे नाल पूरा होया। उन्होंने खत्म होने दे नाल, उस कानून दे खत्म होने दे नाल भारतीय उप महादीप दे विच भारतीय संस्कृति, साडी तहजीब वधे फुले, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक, पंजाब तो लैके बंगाल तक साडा देश एक है। और जिहड़े साडे तो हिस्से विछोड़े गए ने भारत माता तो, असी अरदास करदे हां गुरु धामां दे दर्शन दीदारां दी, वी उस तरीके नाल ही साडे हर भारती दे मन दे विच वी इच्छा पैदा हुंदी है कि जिहड़े जिहड़े साडे हिस्से भारत माता अखंड भारत दे साडे तो अलग हुए ने, ईश्वर कृपा करे तो भी जल्दी साढ़े विच शामिल होण। सानू सारियां नू हर तरीके की समाजिक बुराई तो बच के अपनी पूरी जिम्मेदारी दे नाल अपने फर्जां दा, अपने कर्तव्यां दा निर्वहन करना पेगा। गुरुआं दी धरती है, उन्होंने शहादत दा सानू एक बहुत वड्डा सिखाया, पाठ पढ़ाया सानू कृष्ण महाराज के कर्म के सिद्धांत का सही रूप दे विच किते प्रतिपालन होया तो साड़ी इस धरती ते ही होया। तो अमर शहीद श्यामा प्रसाद जी वर्गे महापुरशां की कुरबानी सानू हमेशा प्रेरित करती है और ईश्वर अगे साड़ी अरदास है अपने आप नू पवित्र बनाइए,
परमात्मा नूं पवित्र चीज़ां दी ही कुरबानी चंगी लगती है। हे ईश्वर, साडा तन, साडा मन, साडे विचार पवित्र कर दे तां जो असी भी अपने बजुर्गों के रस्ते ते चलते हुए भारत माता दे चरणां दे विच अपना शीश पेंट कर सकीए। मैं शत शत नमन करदा सारे जिला गुरदासपुर के मंडलों के अज शहीदी दिन मनाया जा रहा। अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत सारे साथी आए ने, मंडल अध्यक्ष भी आए ने, जिले के पदाधिकारी भी आए ने। सोशल डिस्टेंसिंग करके ज़्यादा सूचना नहीं दी जा सकी, लेकिन सब अपने अपने तौर के उत्ते श्रद्धा के फुल अज पेंट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। सो इस मौके के उत्ते फिर एक बार मैं आह्वान करदा सारे देश के नौजवानों, भैणों भरावों, बच्चों कि असी उस रस्ते ते चलीए जिस रस्ते देते हो जे शहीद होके गए ने और जिहदी मंजिल भारत माता की संप्रभुता, एकता ते अखंडता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो बोले सो निहाल। जय श्री अकाल।